ऐसे क्या देख रहे हैं? ऑयली चीजें मना है आपको, अब इन सब की आदत डाल लें। वैसे तो अच्छा ही है, क्या आप एहतियात ही करें। हाँ भाई, ऐसे तो हालात नहीं रहे हमारे कि हम खुल के बीमार भी हो सके। आपकी बेवकूफी की वजह से आपने सारा कुछ आग में झोंक दिया है। आप लोग ये बताएं, रात में इतनी देर कहाँ लग गई थी? अरे जहाँ पे इतना परेशान हो गई थी, और आपसे तो अब्बू कोई मिलने भी आया था। मुझसे मिलने कौन आया था? मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ? आपके बॉस आए थे। अरे क्यों आया था? ये देखकर गए हैं। क्या है? सिकंदर ने अगर आना था तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे कोई बात हुई थी उसकी? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। अरे देने आए थे ना तो देके चले गए। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, अभी खोल के देख लेते हैं क्या है। अल्लाह, इतनी प्यारी हारिफ। हालांकि आपने तो उनका नुकसान किया है और वो आके आपको गिफ्ट देकर गए हैं। अदा है वैसे, मानना पड़ेगा। अदा नहीं, जिसे तुम अदा समझ रही हो वो धमकी है, ताकि इस घड़ी को देखूं और मुझे अपना वक्त याद रहे। हर बात को नेगेटिव मत लिया करें। मेरा ख्याल है कि आपको बीमार देख के उनका दिल नरम पड़ गया है। दिल उसके सीने में है ही कब, पत्थर है और पत्थर कभी नरम नहीं पड़ा करते। आप तो चुप करके नाश्ता करें, इसके अलावा और भी बड़े काम हैं। अरीज, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा उन्होंने आपको बताया होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए वो गिफ्ट क्यों लेकर आएगा, जबकि मैं तो पहले से ही डिफॉल्टर हूं। नहीं, मैं उसकी शक्ल देखता हूं, मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। अच्छा भला इंसान है, रंग ढंग भी ठीक है, गुस्से का जरा तेज होगा, मुझे तो ना अपनी बहन मानता है। तुम्हें कितना बहन मानता है ये कल देख चुका हूं। बस आपको तो मौका चाहिए मेरे पीछे पड़ने का। अबू, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मैं जॉब करना चाहती हूँ। नौकरी? लो भाई, इधर बाप की जान पे पड़ी हुई है और बेटी को शौक पूरे करने हैं। माना कि यूनिवर्सिटी वाले हालात नहीं है, अब ये नौकरी करेंगी ताकि बाहर घूमने फिरने के मौके बने रहे इनके लिए। नौकरी मेरा शौक नहीं अम्मी, इस घर की अब जरूरत बन गई है। मैं मानती हूँ कि कोई बड़ी डिग्री नहीं है अभी मेरे पास, मगर कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ ना आप लोगों के लिए। और अब ये बात मैं पहले भी आपसे करना चाहती थी, मगर आप अपनी परेशानी में थे इसलिए। हाँ तो अब भी परेशान है ना, देख नहीं रही क्या? और आज के बाद ये नौकरी शौकरी की बात की ना तो टांगे तोड़ोगे तुम। सीमा, अब मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। करते हैं बात इसके बारे में।